आकार है वो ब्रह्म को आकार है। हर दुनिया को आकार जब ब्रह्म को आकार है तो जो अपनी ठाकुर जी की मूर्ति है वो काहे को ब्रह्म को आकार नहीं हो सके। आखिर दुनिया जब वाको आकार है, वाको लियो भय आकार है, नाम रूप सु रूप नाम विभेदेन जगत क्रीड़ती हो यत, तो दुनिया को हर नाम रूप वाको लियो भयो नाम रूप होए, तो अपने ठाकुर जी की पत्थर में कोई रूप होए कि धातु में कोई रूप होए कि चित्र में कागज में कोई रूप होए, जब सारे नाम रूप वाक हैं तो वो भी तो वाको हो गई ना। तो वो सारे नाम रूप जा तरह से वाक्य हैं, वा तरह से वाको वो एक नाम रूप है कि तुम्हारे वहां में कोई भाव है जुड़े भयो। कौन सा भाव जुड़े भयो? कि सारे नाम रूप वाक्य होते भय भी मेरो भाव या रूप में जुड़े भयो है। तो वहां अपन वाको सारे तरीके ट्रीट नहीं करके अपना तरीके ट्रीट करेंगे कि भाई मेरो भाव या में जुड़े भयो। जैसे गंगा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक बह रही है, पर तुम्हारो भाव जो है वो ऋषिकेश में जुड़े है, देवप्रयाग में जुड़े है, कि कर्णप्रयाग में जुड़े है, कि हरिद्वार में जुड़े है, कि बनारस में जुड़े है, काशी में जुड़े है, कि प्रयाग में जुड़े है, कहाँ जुड़े है तुम्हारो भाव गंगा स्नान करने को, कि गंगा सागर में जुड़े है, वो जहाँ तुम्हारो भाव जा तीर्थ में जुड़े है, वह तीर्थ में गंगा स्नान करने, वह जगह पे गंगा स्नान करने पे तुमको वो गंगा में स्नान करने की सेहरन फीलिंग होगी। मैं अक्सर यही लिए बता चुके हूं आपको भी यहाँ किशनगढ़ में भी कई बार कि आखी गंगा बनारस में गंगा ही है ना, पर मैं जब भी बनारस जाऊं तो मेरा भाव जो महाप्रभु जी को जा स्थल पे विवाह भयो पंच गंगा घाट वहां स्नान को मेरो भाव जुड़े भयो रे, भाई यहाँ गंगा जी अपनी गंगा जी, क्योंकि महाप्रभु जी को यहाँ पंच गंगा पे विवाह भयो। एक बखत ऐसे भयो कि मैं कहीं दूर रुके तो पंच गंगा सु और अचानक बीच में एक कलाक को टाइम मिलियो मुको, इनकी गंगा स्नान तो अपन को करना चाहिए, तो मणिकर्णिका घाट पास पड़ते थे तो मणिकर्णिका घाट से मैं सीधे गंगा स्नान करने चले गयो। मणिकर्णिका घाट जा मैं सब मुर्दान को जलायो जाए, हम इनकी मुर्दा जल रहे हैं वसु अपने क्या लेना देना, जलते होंगे मुर्दा, अपने तो गंगा जी में स्नान करना है ना, तो वहां से भी गंगा है तो गंगा तो है ही ना, और मणिकर्णिका पहले आवे पंच गंगा बाद में आवे, पर क्योंकि घाट पे मुर्दा जल रहे थे तो मैं इनके यहाँ कहाँ स्नान करें, तो अपन गंगा की बीच धारा में चले जाए। गंगा की बीच धारा में जाते ही मैंने ऐसे हाथ मारे और एक आदमी की खोपड़ी मेरे हाथ में आ गई। मैंने भी डोडाया बन के क्या हाथ में उठा के देखो तो खोपड़ी होती वाकी जला के बहा दी थी गंगा जी में, वो तैर रही थी। तो एकदम हार्ट नहीं बैठ गए ऐसे आदमी मन के अपन कहाँ नहाने आ गए भैया, भागो गंगा स्नान नहीं करना। अब देखो गंगा तो कॉमन है ना, ना पार सके कि मणिकर्णिका में गंगा जी नहीं है, शास्त्र के दृष्टि से देखें तो मणिकर्णिका में गंगा जी को ज्यादा महात्म्य बजाय के पंच गंगा के। अरे भाई शास्त्र में महात्म्य ज्यादा है पर यहाँ खोपड़ी हाथ में आती हो तो भाव पालना कैसे गंगा स्नान को, यो हाथ मारा हाथ में खोपड़ी आवे तो आपको गंगा को भाव कैसे निभाना, वह वक्त अपनी तो समस्या है कि नहीं, तैरती खोपड़ी हाथ में आ गई। मैंने फिर तब से नक्की किया मन की गंगा जी में स्नान करना पर सारी गंगा में नहीं, अपने पंच गंगा ही अच्छी है कि जहाँ खोपड़ी तो हाथ में नहीं आवे, खोपड़ी यो चली जाए सब अपने या बाजू रहे मैं वहां, एंगल गंगा जी को वह तरीके को है। तो कहाँ भाव स्थापित है, मैं भी कोई इतना मूर्ख नहीं हूं कि मणिकर्णिका पे खोपड़ी हाथ में आ गई करके मणिकर्णिका पे बहती गंगा जी को मैं गंगा जी नहीं मानू, आज भी तय दिल से गंगा मानू, तो वहां गंगा मानने के बावजूद भी गंगा को भाव निभानो मेरे लिए मुश्किल है, खोपड़ी के लिए मुश्किल नहीं है, वो खोपड़ी जो वहां पधराई गई है विसर्जन करने के लिए, उनके जो खोपड़ी को विसर्जन करने वाले को भाव तो वहां हो
हो गई ना गंगा जी को, नहीं तो विसर्जित काय को करें। पर वो भाव मैं वहां निभा नहीं सकूं, वो लाचारी कौन की है? मेरी लाचारी है, गंगा की लाचारी नहीं है, भूमि की लाचारी नहीं है कोई भी। भूमि अपनी भूमि पर स्मशान भी निभा सके और देव मंदिर भी निभा सके, भूमि की कोई लाचारी नहीं है। वही भूमि पर स्मशान भी है, वही भूमि पर, पर अपनी लाचारी है ना कि अपन स्मशान में जाते भर डरें और देव मंदिर में जावें तो अपना डर दूर हो जाए। ये कौन की लाचारी है, भूमि की कि अपनी? अभी कोई कहे कि भाई रात को स्मशान में जाओ तो डर लगेगो कि नहीं लगेगो? अपने को डर लगे, देव मंदिर में जावे मत क्यों नहीं डर लगे? क्योंकि वहां अपनो देव के होने को भाव है, वहां भूत प्रेत पिशाच होने को भाव है करके डर लगे। बात समझ में आई ना मेरी? तो अपन कहां भाव निभा सक रहे हैं, कहां भाव नहीं निभा सक रहे हैं, वाको ये सारो प्रश्न है। तो जब अपना भाव नहीं निभ रहे है तब वहां रूप होते भय भी तत्व गायब है, भावात्मक तत्व। अपनी वो चाहना नहीं है तो साउंड तो वही है, साउंड तो वही है, श्री कृष्ण ही साउंड है। पर अपनी चाहना यदि अपने कामना पूर्ति की है तो अर्थ कृष्ण नहीं है, अर्थ कुछ और हो रहा है। इतनी बात ध्यान से समझ जाओ। अब ये बात ध्यान से समझ में आवे तो अपने को ये ख्याल में आवे कि एक लीला हती जो ब्रह्मा परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है, वो एक लीला है। वहां में एक बात देखो ध्यान से समझो, प्रवाह जो है ना, कोई भी शक्ति को प्रवाह, कोई भी शक्ति को प्रवाह जब एक एक दिशा में बहतो हो सीधे सीधे तो वहां में कभी भावरी नहीं आवे। भावरी कब आवे? दो तीन दिशाएं एक साथ प्रवाह आवे ना तो पानी चक्कर खा जाते हुए, और जब वह तरीके को पानी चक्कर खावे वह प्रवाह में सु वो भंवरी को जो प्रवाह हुए है वहां में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गए। सीधे प्रवाह में आप थोड़ा ऐसे तिरछो तैरो ना तो तैर सको, भंवरी को प्रवाह जो है वो सीधो नीचे ले जावे। ये जल के प्रवाह में भी ऐसी बात है, आग के प्रवाह में भी ऐसी बात है, वो चक्कर खाने लग जाए, भंवरी आ जाए। हवा में भी टॉर्नेडो जाकुके हैं तो टॉर्नेडो की एक आई हो वे, वह टॉर्नेडो की आई में हवा को फोर्स सबसे ज्यादा हो वे है, सबसे ज्यादा फोर्स हो वे। आपको कारण क्या? क्योंकि वहां वाको सेंटर हो जाए। आप आपको ऐसे तरह से सोचो तो आपको बात समझ में आएगी कि एक ब्राह्मिक प्रवाह है, एक पारमात्मिक प्रवाह है, एक भगवत लीला का प्रवाह, एक ब्रह्म लीला का प्रवाह है। ब्रह्म लीला का प्रवाह कैसा है? जहां में ब्रह्म जगत के रूप में अपने आप को, जगत की विविधता के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे है, वो एक प्रवाह चल रहे बहुत जोर से। क्योंकि निरंतर कोई कोई चीजें नाम रूप कर्म के रूप में पैदा होती जा रही है, वो अपने को स्लो दिखे है पर एक्चुअली प्रवाह बहुत फास्ट है। एक पारमात्मिक प्रवाह है, जब पारमात्मिक प्रवाह के भीतर भगवान जो है वो सबके हृदय में विराज के, और अपन सोचते हो जैसे मैंने आज बताया कि अपन सोचते हो कि भाई सुपर ईगो के हिसाब से शास्त्र की आज्ञा ये है, हमारे हमारी समझ ये है, हम ऐसा करें तो अच्छा है, ऐसा करेंगे तो बुरो है। पर वो पारमात्मिक प्रवाह जो भीतर चल रहे हो, वाको अपने भीतर भी शक्ति इतनी ज्यादा हुए है कि वाके आगे अपने बस चले नहीं, तो वो प्रवाह भी बह रहे हो भीतर को। ब्राह्मिक प्रवाह बाहर से है और पारमात्मिक प्रवाह
भीतर से बाहर आ रहे हो। ब्राह्मिक प्रवाह बाहर से भीतर जा रहे हो और पारमात्मिक प्रवाह भीतर से बाहर जा रहे हो। अभी दो प्रवाह आपस में टकराएंगे तो हमें कुछ तो चक्कर पैदा होगा। तो हमें तीसरा प्रवाह और ऐड हो रहे हो। अब कोई भी आप फुमारा की तीन धार डाल के देखो तो पानी गोल गोल घूमने लग जाएगा। आयो ख्याल में? और वो प्रवाह, ये जो प्रवाह की जो धारा प्रवाह जाकू कहे हैं, वाक्य प्रवाह से जो चक्र का प्रवाह है, वहां में फोर्स ऑलवेज ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां में तीन प्रवाह के फोर्स को टोटल आते हो गए। आयो? यह बात को ध्यान से समझोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण को प्रवाह कितना तगड़ो है, क्योंकि वो ब्राह्मिक प्रवाह से भी आ रहे है, पारमात्मिक प्रवाह से भी आ रहे है, और भगवान होने को जो प्रवाह है ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, वो प्रवाह सारो कॉन्सेंट्रेट होके जा वक्त गोल घूम रहे है, तो वह प्रवाह को जो आई है वो श्री कृष्ण है। यालिए महाप्रभु जी आज्ञा करें, सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते। वहां फोर्स बहुत ट्रिमेंडस है। दूसरे प्रवाह के फोर्स जो हैं वो पर्यावरण की तरह काम कर रहे हैं, पर वो जो सेंटर बन जा रहे हो आई ऑफ टॉर्नेडो की तरह, वहां फोर्स ट्रिमेंडस है। टॉर्नेडो में कोई भी चीज रखे ना तो कार ऊपर उड़ जाती हो, नीचे की जमीन पे रखी भाई कार सीधी ऊपर उड़ जाए, टॉर्नेडो का प्रवाह को सेंटर पे आई पे इतना फोर्स ज्यादा हुआ है। तो कृष्ण में वा तरीके को, कृष्ण की वा तरीके की फोर्सफुलनेस महाप्रभु जी ने देखी दूसरे प्रवाह से। जो पर्यावरण में काम कर रहे थे ब्राह्मिक पारमात्मिक या भगवान के जो पर्यावरण के तरह काम कर रहे थे, वहां में कृष्ण के रूप में वह तरीके को फोर्स महाप्रभु जी ने विचार्यो कि अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत है, या मैंने पूरा ब्राह्मिक प्रवाह भी या में है, पारमात्मिक प्रवाह भी या में है, और भगवान होने को प्रवाह भी या में है। जाके लिए भागवत क्या समझावे है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, या मैंने भगवान होने को पूर्णतया में प्रकट भैया जाको अपने यहाँ की भाषा साहित्य में सोलह कला पूर्ण कह रहे हैं कि कृष्ण को जो है वो सोलह कला पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार है, मतलब कि ये सारे फोर्सेस वहां में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरे जगह फोर्स होंगे, फोर्स इतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे, जैसे ब्रह्म प्रवाह को अपने में भी फोर्स है, अपनो नाम अपनो रूप अपने काम में भी फोर्स है कि अपन एटम बम तक बना सकें, हाइड्रोजन बम बना सकें, प्लेन बना सकें, स्पेसक्राफ्ट बना सकें, सबमरीन बना सकें, वो अपने में फोर्स है कि नहीं, पर अपने या तरीके के जो फोर्स हैं अपने भीतर काम करते हुए, ऐसे देवताओं के भी फोर्स हैं बहुत सारे कि देवताएं कहीं भी प्रकट हो सकें, एक साथ साइमल्टेनियसली दो ठिकाने भी प्रकट हो सके, दस ठिकाने भी देवता प्रकट हो सके जो अपन प्रकट नहीं हो सके। अब वो सीसीटीवी कैमरा से अपन सब जगह कैमरा लगा लें तो सब जगह भी अपन बात भी कर सके, सब जगह भी अपन देख सके, वो आर्टिफिशियली अपने में भी आपका एक्वायर कर ही सके कि नहीं, तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो अपने में भी हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर कृष्ण में वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं एकदम टॉर्नेडो की आई की तरह। और वह बात को जब महाप्रभु जी ने विचार्यो कि अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत है ये, तो महाप्रभु जी ने कही कि फिर कृष्ण लीला फिर से रिवाइव होनी चाहिए अपने, कृष्ण लीला फिर से रिवाइव होनी चाहिए, वो सिर्फ द्वापर को विषय नहीं रह जानी चाहिए जा वक्त भगवान प्रकटे करके। वह कृष्ण लीला को रिवाइव करने के लिए महाप्रभु जी ने पाछो भागवत धर्म पकड़ियो, क्योंकि भागवत क्या कहे कैसे करना, वह कृष्ण लीला को रिवाइव कैसे करना। अब ध्यान से देखो तो अपने यहाँ की सारी सेवा की प्रक्रिया मूल में वह कृष्ण लीला को फिर से जीने की प्रक्रिया, जैसे अपन लाइसेंस रिन्यू करावे कि नहीं रेडियो को या को वाको,
ऐसे अपनी सारी प्रक्रिया जो है वो वह रिन्यूअल की प्रक्रिया है कि कृष्ण लीला जो वाह बखत भई वाह को अपन पाछे रिन्यू कैसे कर सके आज के देश काल और अपने परिवार के संदर्भ में। वाह आज के देश काल और अपने परिवार के संदर्भ में अपन वाह कृष्ण लीला को फिर से रिवाइव करने के लिए महाप्रभु जी पहली बात क्या करें, पहले ब्रह्म संबंध लो। ब्रह्म संबंध ले का मतलब पाछा अपन वही करें, ब्रह्म संबंध को अर्थ अपन नहीं जाने, ब्रह्म संबंध में अपन ने कौन सु संबंध भयो है वो नहीं जाने, क्यों भयो है वो नहीं जाने। तुलसी हाथ में लेके महाराज जो बुलावे वो बोल जाओ और भूल जाओ सब बात, खाली अभिमान रखो मन में कि हमारा ब्रह्म संबंध हो गया। ये अभिमान तो ब्रह्म संबंध नहीं हो के ब्रह्म संबंध है, क्योंकि तुमको ब्रह्म संबंध कौन से भयो ये नहीं पता है। जैसे अपनी शादी हो जाए कोई से ये ही नहीं पता है कौन सी शादी भाई क्यों भाई, तो वो शादी मानी जाएगी भाई शादी भाई, तो पता तो चलना चाहिए कि कौन सी शादी भाई, अपनी कोई सी शादी भाई है क्यों भाई है वो भी पता नहीं है। वो कहीं रह रहे हैं हम कहीं रह रहे हैं हमको क्या पता क्यों भाई, पूछो तो शादीशुदा है, ऐसे शादीशुदा हो कोई, ऐसा ब्रह्म संबंधी हो कैसे सके कि जब को ब्रह्म नहीं पता है परमात्मा नहीं पता है भगवान नहीं पता है कृष्ण क्या है ये नहीं पता है पर ब्रह्म संबंध है। बड़ौदा के एक महापुरुष थे ऐसे ही, उनने मुझको एक दिन ब्रह्म ज्ञान दियो। उन्होंने कहा हमारे घर में दो तीन पीढ़ी से ठाकुर जी विराज रहे हैं पर मैं वैष्णव नहीं हूं। मैंने कहा ये क्या घटना भाई, तीन पीढ़ी से ठाकुर जी विराज रहे हैं और तुम वैष्णव नहीं हो। तो मैंने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान मुझको दियो कि वो हालोल में कोई एक मुसलमान बाबा आते मैत्री राजा जाने हैं उनको, वो एक दिन इनके घर आए और इनने आके उनको कही वो हालोल वाले कोई मुसलमान फकीर रहते कि गोस्वामी है जो ब्रह्म संबंध है ना ये तो महाप्रभु जी के नाम से दें, खुद के नाम पे तो दें नहीं है, मैं तो तुमको अपने नाम पे दे रहे हूं। तो कि यही लेना अच्छा ना कि जो खुद के नाम पे देते हो, तो वो वैष्णव धर्म छोड़ के वो फकीर बाबा के सेवक हो गए थे, घर में सेवा भी और चल रही थी, पाछी सेवा की भी इंक्वायरी करे थे कि आ सेवा के रीते था ते सेवा के रीते था। फिर मैंने कही तो तमें करो छो सेवा, बोले ना हूं नहीं करते हूं तो एमनो सेवक छु। अभी हमें अर्थ क्या रहे हो भाव क्या रहे हो सोचो, वो मुसलमान बाबा के तुम सेवक हो, दीक्षा वाकी ली है, तीन पीढ़ी से ठाकुर घर में विराज रहे हो, बाकी भी सेवा चले क्योंकि समृद्ध है पैसा आतो तो सेवा करवा सके मुखिया भीतरिया रखवा के, वो करते रहे सेवा। तो जैसे अपन कुत्ता पालें गाय पालें भैंस पालें, एक ग्वालिया रख दो वो कब पाल तो रहे, अपने खाली दूध दोने का मतलब वो कोई सेवा है। ग्वालिया रख के अपन ने गाय को पाल रहे हैं और दूध दो रहे हैं वो कोई गाय की सेवा मानी जाएगी, तो गो सेवा तो नहीं है ना। ऐसे वा तरह से तुमने सारा बटालियन रख रखे हो क्योंकि पैसा है तुम्हारे पास, कोई सेवा कर रहे हो तुम्हारे क्योंकि तुमको कुछ डर लगता होगा मन में कि भाई सेवा बंद करेंगे पाछो कुछ अकल्याण नहीं हो जाए, तो वह के कारण सेवा चालू रहे। सेवा चालू रही पर सेव्य तो गायब है ना और सेवक भी गायब है, तो जहां सेव्य भी गायब है सेवक भी गायब है, सेवक मुसलमान को है तो सेव्य वहां रहेगो तो सेव्य भी गायब हो जाएगा बेचारे, भाई जब सेवक ही नहीं है तो मैं कौन को सेव्य हूं। अब तुम्हारे पास पैसा है वाके कारण तुम कुछ कार्यक्रम चालू रख रहे हो कि शो मस्ट गो ऑन, तो शो मस्ट गो ऑन में तो ठीक है कोई करते रहो तो सिनेमा चलाओ तो भी शो तो चल ही सके ना, वाके लिए आदमी को हाजिर रहना जरूरी नहीं है। या लिए मैं बात बता रहे हूं कि जा वक्त अपने को वा कृष्ण की जो स्वरूप की लीला को फिर से अपने को रिन्यूअल करनी होए
तो अपने को कृष्ण की ब्रह्मता समझनी पड़ेगी, कृष्ण की परमात्मता समझनी पड़ेगी, कृष्ण भगवान है ये बात भी समझना पड़ेगा। और वो बात महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में कैसे समझाई ये मैंने आपको समझायो कि अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्ण बुद्धि विधीयताम। कृष्ण में तुम ब्रह्मवाद सु बुद्धि लगाओ तो तुमको कृष्ण और वाको पर्यावरण को जो फोर्स है वो समझ में आएगा, नहीं तो कृष्ण को अर्थ कुछ भी हो सके ना। अरे भाई यहाँ किशनगढ़ में भी कई इनके नाम कृष्ण होंगे, नहीं होंगे? होंगे। तो जिनके नाम कृष्ण है वो सब कृष्ण है क्या? कृष्ण होने की शर्त क्या है? वहां में ब्राह्मिक फोर्स होनी चाहिए। कृष्ण होने की शर्त क्या है महाप्रभु जी के सेव्य कृष्ण होने की? तो वहां में पारमात्मिक फोर्स होनी चाहिए। वो पारमात्मिक फोर्स होने की शर्त क्या है? ज्ञानी स्वस्मिन प्रपश्यति। ज्ञानी जो है वह तुमने वह तरह से वह कुछ जान्यो तो तुमको कृष्ण जो है वह तुम्हारे भीतर बिराजी भाई हकीकत लगेगी। तुमने वह तरह से वह कुछ नहीं जान्यो तथा कृष्णम परम ब्रह्म ज्ञानी स्वस्मिन प्रपश्यति। जब तुम जानोगे तब तो तुम भीतर मानोगे ना, नहीं तो तुम भीतर मानोगे नहीं। अब तुम सोचोगे को तो हवेली में ही है, हवेली में है तो वो कृष्ण तो बहुत क्षुद्र कृष्ण है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर नहीं है, हवेली में ही है। तो या तरीके कृष्ण में तो ब्राह्मिकता तो हो सके पर परमात्मता तो नदारद हो गई, एक फोर्स कम हो गया। फोर्स तो टूट गया कि नहीं? तुमने वह फोर्स को आते हुए रोक दियो। वो तो तुमको कब प्रकट होएगा फोर्स? कि जब तुम भीतर भी जानो और बाहर भी जानो। अब भीतर और बाहर दोनों मौजूद होते भाई भी, भीतर और बाहर दोनों चीज जो मौजूद है वह तरीके की जो मौजूद तत्व हैं अपने पर्यावरण में अपन देख सकें कि अपने पर्यावरण में हवा भीतर भी मौजूद है बाहर भी मौजूद है, अपने पर्यावरण में जल भीतर भी मौजूद है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में साइंस के हिसाब से वाटर को कंटेंट मैक्सिमम है। वो सारो वाटर को कंटेंट निकाल दें ना तो अपनी बॉडी सिकुड़ के इतनी हो जाए। वाटर के कारण सब फूले फूले है। क्योंकि हड्डी में से सारो पानी को तत्व निकाल दो, मांस में से सारो पानी को तत्व निकाल दो, लोही को सारो पानी तत्व निकाल दो, बॉडी सिकुड़ के छोटी सी हो जाएगी। वो पानी ने फुला रखा है। तो भीतर भी है पानी और हवा में नमी के रूप में बाहर भी है। तो ब्राह्मिक पहलू भी है वाको, पारमात्मिक पहलू भी है। हवा को भी ऐसे ब्राह्मिक पहलू है, पारमात्मिक पहलू है। आकाश को भी ऐसे ब्राह्मिक पहलू है, आकाश बाहर भी है और अपने भीतर हर 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 इंद्रिय में आकाश है। हो नाक में देखो आकाश है, कान में आकाश है, आंख में आकाश है, मुंह में आकाश है, सब जगह आकाश है। आकाश माने स्पेस। तो कितना सारा स्पेस अपने भीतर भरे हुए है। हार्ट की प्रॉब्लम अक्सर क्यों हुए है अपन जाने हैं कि हार्ट के चार चैम्बर के बीच में स्पेस जो है वो पंक्चर हो जाए ना तो हार्ट फेल हो जाए। तो स्पेस है वहां भी चार चैम्बर में, एक यहां से खून आवे, यहां आवे, यहां से आवे, यहां जावे, यहां से जावे, यहां जावे, तो चार चैंबर हुए वहां के बीच में एक स्पेस है। अब वो स्पेस पंक्चर हो जाए कोई भी एक चैंबर को तुरंत मर जाए आदमी। तो स्पेस लिंदनो चाहिए। लंग्स में खुद स्पेस ही है क्योंकि लंग्स में सारी हवा भरे और हवा भरने के बाद हवा की छन जैसे अपन छाने ऐसे लंग्स व हवा को छाने और छान के और फिर सप्लाई करे तो वहां भी स्पेस है। रक्त वाहिनी जितनी है उनमें भी स्पेस है। तो अपन देख सकें कि स्पेस बाहर भी है भीतर भी है। ऐसे ही हीट जो है वो बाहर भी है भीतर भी है। क्योंकि बाहर की हीट अपनी पृथ्वी को जो एक टेम्परेचर को एक रेशियो है, वासु ज्यादा हो जाए तो भी अपन मर जाएंगे और वासु कम हो जाएगा तो भी अपन मर जाएंगे। अपन एक सर्टन हीट के रेंज में जीने वाले प्राणी हैं।
वासु कम कम बढ़ती भाई, बढ़ोतरी या घटोतरी भाई, तो अपन जी नहीं सके। तो हीट बाहर भी है और बॉडी के भीतर भी हीट है। थोड़ा सा रामदेव बाबा को प्रयोग करो, आंख पे लगाओ, देखो आग गर्म हो जाए। क्यों गर्म हो जाए? तो भीतर भी अपने हीट है, टेम्परेचर अपन माप सके। तो पांचों तत्व कैसे बाहर हैं, कैसे भीतर हैं, ये मैंने आपको बताया तो भूमिका के रूप में। ऐसे ही कृष्ण के भीतर और बाहर छोटे मोटो कभी ज्ञान प्रकट हो जाए, बाकी तो बहुत सारे काम अपन अज्ञान से ही करते हुए अपने क्या पता चले। जैसे मैं आपको बता चुका, बताया मैंने एक दो वक्त तो पहले, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी सिंथोल नाम का साबुन। उस सिंथोल नाम के साबुन के एडवर्टाइजमेंट में आती थी कि वहां में वो पत्तान को हरे रखने वाले जो फैक्टर हैं वो केमिकल डाले जाए। अब वाह के कारण मेरे कुबे मन की पत्तान को हरो रखते हो तो अपने सिंथोल के सिवाय दूसरो साबू वापर नहीं क्यों? वह क्या नाम है? अच्छा कोई साइंटिफिक नाम है तो वो या मैं साबू में डाले जाए तो इनके अपने सिंथोल ही वापर, दूसरो वापर नहीं, नहीं। अब वो वापरना तो शुरू कर दियो, वाह के बाद ऐसा रोग पैदा हो गया कि सिंथोल नहीं वापरूं 6-7 दिन तो चमड़ी में नमी के बजाय सुखोपन आवे। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाई कि ये तो सिंथोल वापरने से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर मेरे पास से कहे ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी भ्रमणा है। मैंने कि देखो अभी बंद करके तुमको बताऊं, 8-10 दिन सिंथोल नहीं वापरे, सचमुच में चमड़ी में जैसे वो एक्जिमा हुआ है ना वह तरीके को सुखोपन आ गया। मैंने कि देखो डॉक्टर ने मुझको तुमको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। अपन भी समझ गए भाई, पता नहीं साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हुई है। एक साइंस टुडे करके टाइम्स ऑफ इंडिया का वीकली पब्लिकेशन, फोर्टनाइटली पब्लिकेशन आता था, वहां में मैंने अचानक एक दिन लेख पढ़े हो, ये जो तत्व नाख्य जाए डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले यासु हाथ धोते थे उनके ब्रेन में वो स्टोर हो गए और ब्रेन डैमेज हो गए। अरे मैंने कही ये चमड़ी को हरे रखने में ब्रेन डैमेज हो गए, ऐसा साबु वापर नहीं, नहीं। वापरना छोड़ दियो तो वो होना भी बंद हो गया। तो अपन कैसे अज्ञान से काम कर रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आई तो अपन वहां में बह गए, दूसरी एडवर्टाइजमेंट वो साइंस टुडे के पहुंची मैं तो मैं वहां में बह गए। अपने को पता ही नहीं है कि सचमुच में क्या हो रहे हो और क्या नहीं हो रहे हो। पेड़ पे सूखे भय पत्ता की तरह है, हवा को झोंका जा तरफ आए हवा बखत तरफ अपन उड़ जाए। अपने को कुछ अपनों जड़ से अपन बंधे भाई नहीं है, अपनी जो समझ है वो अपनी जड़न से बंधी भाई नहीं है, अपनी डालिन से बंधी भाई नहीं है। पेड़ पे सूखे भाई पत्तान के जैसी है कि हवा के झोंका की अपन बाट देख रहे हैं,
कांसु हवा को झोंका आयो, जा तरफ से आयो हवा को झोंका, है पत्ता उड़तो भयो जावे, जैसे कोई पैराशूट हो वार तरह से, मने लटक तो भयो मटक तो भयो जावे, हो वो पत्ता पाछो हवा उड़ा आवे तब तो।